CSS border की वीडियो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। और जैसा कि आपको पता है मेरी वीडियोस के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल होता है, कुछ ना कुछ अलग यूनिक डिफरेंट होता है, तो इस वीडियो के अंदर भी आपके लिए बहुत कुछ होने वाला है। CSS के अंदर अगर आपको border लगाने हैं किसी भी div के या किसी सेक्शन में डॉट 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 से आउटलाइन करना है तो आप कैसे करेंगे, ये तो होता है बहुत लॉन्ग वे से। और अगर आपको शॉर्ट हैंड जाननी है, यू नो ऑलरेडी यार, आपको मैं लास्ट को बताता हूँ, बिकॉज यू आर प्रो गाइज इफ यू आर वॉचिंग टेक्नोब्रेज। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज लुक एट दिस, ये हमारा कोड है और राइट साइड में है हमारी स्क्रीन। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे एक डिव बना लेता हूँ, ठीक है, डिवीजन। अगर आपको डिव के बारे में नहीं पता ना, अच्छे से पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो प्लीज इस वीडियो को जाकर जरूर चेकआउट करना, डिव के अंदर पूरी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, जाकर चेकआउट करना, मजा आएगा। तो मैं यहाँ पे एक डिव बना लेता हूँ और मैं इसी क्लास रख देता हूँ डिव वन। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक डिव बना लिया, ये शॉर्टकट है, राइट। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ। ऑलराइट, ये मेरा डिव बना दिया है। अब मैं यहाँ पे इंटरनल स्टाइल शीट करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टाइल टैग ओपन क्लोज करेंगे हेड सेक्शन के अंदर और यहाँ पे लिखेंगे डिव वन, ठीक है, राइट। और डिव वन लिखा मैंने यहाँ पे, और मैं ना इसको क्या करूँगा, मैं हाइट और विड्थ ही दूंगा इसको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इसका हाइट, इसको दी मैंने 300 पिक्सल, ओके, एंड मैंने यहाँ पे दी विड्थ 300 पिक्सल, ओके। यहाँ पे मैंने सेव करा और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे डिव तो आ गया लेकिन आपको नहीं दिख रहा। नहीं दिखेगा भाई, क्यों नहीं दिखेगा, मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज मैंने यहाँ पे ना इसको कलर दिया है डिव को, ना ही मैंने इसको बॉर्डर दिया है, तो दिखेगा क्या, घंटा। तो यहाँ पे आपको घंटा नहीं दिखने वाला है, मैं आपको यहाँ पे डिव दिखाऊंगा। सो गाइस यहाँ पे लिखते हैं बॉर्डर, ओके, और यहाँ पे मैं 10 पिक्सल दे देता हूँ। ऑलराइट, तो 10 पिक्सल का मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने 10 पिक्सल की विड्थ दे दी है बॉर्डर को, जो भी आउटलाइन है ना वो 10 पिक्सल ऑक्यूपाई करेगा ताकि आपको दिखे, इसलिए मैंने 10 पिक्सल लिया है, वरना 2 पिक्सल 3 पिक्सल मैक्सिमम 5 पिक्सल चलता है अगर आपको कुछ अतरंगी करना हो, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमें कुछ अतरंगी नहीं करना है, हमें लर्न करना है एंड फिर उसके बाद प्रो बन के अतरंगी करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा बॉर्डर, ओके, बॉर्डर स्टाइल, और मैंने यहाँ पे लिख दिया सॉलिड, ठीक है, मुझे सॉलिड चाहिए भाई, आउटलाइन एकदम सॉलिड चाहिए, एकदम जैसे हमारा चैनल है टेक्नोब्रेज का, ओके। सो मैंने यहाँ पे सेव करा और यहाँ पे रिफ्रेश करा, तो लुक एट दिस, यहाँ पे 10 पिक्सल का हमारे पास बॉर्डर आ चुका है, ओके। सो गाइज हम नेक्स्ट डिव बनाते हैं, ठीक है, मैं इसकी ना हाइट थोड़ी सी कम कर देता हूँ, राइट, ताकि हमारे पास डिव ज़्यादा आ पाए। ऑलराइट, मैंने इसकी 200 पिक्सल कर दी है और मैं यहाँ पे ना डिव 2 बना लेता हूँ, ओके। मैंने यहाँ पे क्या करा, डिव 2 बनाया, यहाँ पे 2 कर दिया है और सेम एज मैं यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ कॉपी करूँगा। ऑलराइट, नीचे कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ क्योंकि हमारा डिव 2 क्लास है। यहाँ पे सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो लुक एट दिस, ये हमारे पास दूसरा डिव आ गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक br लगा देता हूँ, ठीक है, ब्रेक, ताकि डिव एक दूसरे के साथ चुम्मा चाटी ना करें, सॉरी चिपके ना, नहीं यार ये भी गलत हो गया, अरे ठीक है ना, समझ गया ताकि ज़्यादा आपको समझ में आए कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बॉर्डर स्टाइल यहाँ पे दूसरा कर देता हूँ, सॉलिड की जगह क्या कर देता हूँ, डैश्ड। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे डैश्ड लिखा, सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो लुक एट दिस, ओके, तो यहाँ पे डैश्ड भी आपके पास आ जाता है। अब मैं हाइट और कम करूँगा इनकी, 100 100, ठीक है, सेव, रिफ्रेश। ऑलराइट, अब मैं एक और डिव बनाऊंगा यहाँ पे, डिव 3, ठीक है, और यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ, यहाँ पे अगेन ब्रेक लगा देता हूँ, पता है ना किस लिए और यहाँ पे प्रॉपर्टीज कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, सेम एज दैट 3, ओके। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, डॉटेड, ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल के अंदर मैं डॉटेड करा, सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो लुक एट दिस, ये डॉटेड आ गया है। ऐसे ही बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं बॉर्डर्स की, जिससे आप अपना स्टाइल बना सकते हैं डिव के अंदर, या कोई भी आपको रिक्वायरमेंट हो, अपना डिज़ायर्ड आउटपुट आपको चाहिए तो आप यहाँ पे बना सकते हैं, सॉलिड, डैश, डॉटेड। और इसकी जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारी वेबसाइट पे हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, और अगर अभी अपडेट नहीं होगा तो विद इन अ वीक अपडेट हो जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और पूरा अच्छे से वहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। सो गाइज, ये है हमारे बॉर्डर की स्टाइलिंग। और अगर आपको और भी स्टाइलिंग चाहिए, तो मान लीजिए मैं सॉलिड को यहाँ पे हटा के ग्रूव करता हूँ,
ठीक है, ग्रुप करता हूँ, सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो लुक एट दिस, ये 3D लुक में आता है। मैं इसको जूम करता हूँ आपके लिए, ठीक है, लुक एट दिस, ये 3D लुक में आता है। ओके, तो यहाँ पे ग्रूव है। ओके, और एक और अच्छा लगता है मुझे, वो है डैश को मैं हटा के डबल कर देता हूँ, डबल डबल एग रोल, नहीं यार मुझे अच्छा लगता है वैसे ठीक है, तो यहाँ पे मैं बॉर्डर स्टाइल डबल करता हूँ, रिफ्रेश करूंगा, तो लुक एट दिस, ये डबल आ गया। ये मुझे काफी अच्छा लगता है, क्योंकि अगर हम किसी चीज का बॉर्डर बना लेते हैं ना और उसमें डबल दे देते हैं, यानी कि डबल स्टाइलिंग दे देते हैं, दैट्स गुड एंड इट लुक्स वेरी नाइस, राइट। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसके अंदर इनसेट, आउटसेट और भी प्रॉपर्टीज होती है, वो मैंने आपको बता दिया, वेबसाइट पर मिल जाएंगी, राइट। जो मेन प्रॉपर्टीज है मैंने आपको बता दी है। अब हम बॉर्डर से कलर्स के अंदर गेम खेलेंगे, कि हमने बॉर्डर्स लिए हैं, अब इसको कलर चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो कलर भी चेंज करके देखते हैं यार। सो इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर मैं एक डिव बना रहा हूँ और उसका बॉर्डर बना रहा हूँ और मुझे चारों साइड्स अलग अलग स्टाइलिंग की चाहिए तो कैसे करूँगा, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, पता है ना आपको। तो सबसे पहले कलर्स का देख लेते हैं, कलर कैसे करते हैं। तो गाइज मुझे अब ऊपर वाले का कलर चेंज करना है जो 3D में करा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉर्डर डैश कलर, ठीक है, बॉर्डर कलर करूंगा, मुझे चाहिए यहाँ पे ब्लू वॉलेट, मैं सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो लुक एट दिस, ये ब्लू वॉलेट के साथ हो गया है। और देखिए जो कलर है ना मेरा ब्लू वॉलेट, उसके डार्क कलर होकर ये 3D लुक दे रहा है, मतलब वही कलर को डार्क हो रहा है और 3D लुक देने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है, और वो लगता भी है, दिस इज गुड। ओके, और मैं डिप 2 के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे भी लिखूंगा बॉर्डर कलर, ठीक है, और यहाँ पे मैं रेड दे देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो लुक एट दिस, आप बॉर्डर कलर की प्रॉपर्टी से बॉर्डर को यहाँ पे कलर आप दे सकते हैं। ऑलराइट, और मैं एक चीज और बता दूं आपको, जैसे मैंने बॉर्डर की विड्थ दी है राइट 10 पिक्सल, अगर आपको चाहिए कि मुझे राइट से 20 पिक्सल चाहिए, लेफ्ट से 5 पिक्सल चाहिए, ऊपर से 10 पिक्सल चाहिए, नीचे से 50 पिक्सल चाहिए, तो ये भी आप कर सकते हैं, नो डाउट, वो भी मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। तो गाइस इसको करेंगे कैसे, करेंगे ऐसे कि जो मैंने यहाँ पे पिक्सल दे रखे थे बॉर्डर को 10 पिक्सल, इसकी जो विड्थ दे रखी थी, तो मैं इसको यहाँ पे हटाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा बॉर्डर डैश विड्थ। ऑलराइट, मैंने यहाँ पे जैसे ही विड्थ लिखा तो ये इसको समझ में आ गया कि ये बॉर्डर की विड्थ अलग अलग देने वाला है बंदा, ठीक है, बहुत खतरनाक है, ठीक है। तो मैं टॉप में दूंगा 10 पिक्सल, राइट, उसके बाद राइट में दूंगा मैं 20 पिक्सल, बॉटम में दूंगा 30 पिक्सल एंड लेफ्ट में दूंगा 40 पिक्सल। ओके, मैं सेव करूंगा, यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, तो लुक एट दिस, ठीक है, समझ में आया ना, देखो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, इसी तरीके से वैल्यूज हमारी चलती हैं। हमेशा CSS के अंदर याद रखना, एक चक्की होती है ना, बचपन में गेम खेलते थे कि ऐसे चलेगी ऐसे चलेगी ऐसे चलेगी, है ना, राइट हैंड से, तो ऐसे ही याद रखना, टॉप चलेगी, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो टॉप में हमें 10 पिक्सल, राइट में 20 पिक्सल, बॉटम में 30 पिक्सल एंड लेफ्ट में 40 पिक्सल, और ये पूरी थ्रू आउट द CSS सेम रहेगा। जब भी आप कोई भी वैल्यू देने की कोशिश करोगे किसी भी चीज को, अगर आपको देनी है तो आप इसी तरीके से देंगे थ्रू आउट द CSS। ओके, ये ऐसे ही काम करता है। तो आपको दिखा किस तरीके से बॉर्डर के साथ आप गेम प्ले कर सकते हो, तो यार अपन तो समझ रहे हो ठीक है, हमारा बॉर्डर विड्थ भी हो गया, कलर भी हो गया, बॉर्डर स्टाइलिंग भी हो गई। अब हम करेंगे बॉर्डर की इंडिविजुअल साइड्स। इंडिविजुअल साइड्स मतलब कि मुझे राइट में डैश्ड चाहिए, लेफ्ट में डबल चाहिए, ऊपर सॉलिड चाहिए, नीचे डॉटेड चाहिए, तो अलग अलग साइड्स में आप बॉर्डर बना सकते हो। ओके, तो मैं फिलहाल डिव 3 में काम करते हैं इसका, ठीक है। सो इसको अभी हटाते हैं बॉर्डर स्टाइल को, ठीक है, मैं सेव कर दूंगा। अब यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले बॉर्डर डैश राइट, ओके, एंड स्टाइल, ठीक है, बॉर्डर राइट स्टाइल, मैंने यहाँ पे लिखा सॉलिड, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सॉलिड लिखा, मैं सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो लुक एट दिस, यहाँ पे राइट साइड में सॉलिड आ गया है। मैंने राइट स्टाइल दिया है तो राइट में ही आ रहा है, ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा इसको बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल, ठीक है, यहाँ पे बताइए मैं डैश दूँ, डबल दूँ, ग्रुप दूँ, हिडन दूँ, ठीक है, मैं इनसेट दे देता हूँ, चलो आपको इनसेट मैंने ऊपर नहीं दिखाया था, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, रिफ्रेश करूँगा, तो लुक एट दिस, ये इनसेट की तरह यहाँ पे आ गया है। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे सेम इसको फॉलो करते हुए, ठीक है, बॉटम और टॉप को करूँगा, ठीक है, पेस्ट करा, यहाँ पे मैंने लिखा टॉप
और इसको मैं दे देता हूँ क्या डॉटेड, डॉटेड पसंद है आपको, डॉटेड डॉटेड सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, सुधर जाओ सुधर, मैं डॉटेड बॉर्डर की बात कर रहा हूँ, समझ में आया? तो मैंने यहाँ पे दिया ये देखो डॉटेड, और मैं बॉटम में दे देता हूँ सिंपल एज दैट, यहाँ पे पेस्ट करा जल्दी से, यहाँ पे मैं लिखा बॉटम, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डबल, ओके, सेव करा, रिफ्रेश करा, तो लुक एट दिस, ये हमारी चारों साइड्स अलग अलग हो चुकी हैं, ठीक है, इंडिविजुअल साइड्स, यहाँ पे मैंने इसे डॉटेड कर दिया, ऊपर राइट में मैंने सॉलिड कर दिया, नीचे इसको डबल कर दिया, लेफ्ट में इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो अगर आप चाहें इसको शॉर्ट हैंड के तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना यार, क्या बोला था मैंने, क्या बोला था, वो से ही करना है यार, मैंने लिखा यहाँ पे बॉर्डर, ठीक है, यहाँ पे स्टाइल, ओके, टॉप में मुझे चाहिए डबल, ओके, राइट में क्या चाहिए डॉटेड, और मुझे बॉटम में क्या चाहिए सॉलिड, और मुझे लेफ्ट में क्या चाहिए डैश्ड, ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने, सेव करा, देखो बॉर्डर स्टाइल टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, रिफ्रेश करूंगा तो लुक एट दिस, टॉप में लिखा मैंने डबल, डबल आ रहा है, राइट में लिखा डॉटेड, डॉटेड आ रहा है, सॉलिड, और बॉटम में मैंने लिखा सॉलिड, तो सॉलिड आ रहा है, और लेफ्ट में मैंने लिखा डैश, तो डैश आ रहा है, लुक एट दिस। तो आप इस तरीके से अपने बॉर्डर्स को बना सकते हैं। सो आपको समझ में आया गाइस? तो क्या है बॉर्डर में, सबसे पहले हमें साइज देना है, राइट, कि कितनी विड्थ रखना चाहते हैं आप बॉर्डर की, और उसके बाद क्या है कि आपको स्टाइल क्या देना है, सॉलिड देना है, डबल देना है, डैश देना है, डॉटेड देना है, ठीक है, एंड उसके बाद आपको कलर क्या देना है, उस बॉर्डर का कलर क्या देना है। तो ये है आपकी शॉर्ट हैंड, राइट। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर करके, ओके, यहाँ पे तीन लाइनर कोड हटाया, सिर्फ एक ही लाइन में करेंगे हम लोग, ठीक है। मैंने यहाँ पे दिया बॉर्डर, ओके, यहाँ पे दिया मैंने 20, चलो 10 लिख दिया मैंने 10 पिक्सल, यहाँ पे मैं स्टाइल लिख देता हूँ डबल, ओके, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वायलेट, और यहाँ पे सेव करा, रिफ्रेश करा, तो लुक एट दिस, ठीक है, कलर स्टाइल विड्थ एक ही लाइन में आ गया। सो गाइस, अगर आपको इस वीडियो के अंदर वैल्यूएबल चीज़ मिली है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि अगर आप वैल्यूएबल चीज़ शेयर करते हो तो आपकी वैल्यू भी बनती है, यानी कि डिग्निटी बनती है। सो गाइस, अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्किल अप योरसेल्फ विद टेक्नोब्रेन।